हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस एन जी कंस्ट्रक्शन। तो आज का एक नया टॉपिक है बिग मिस्टेक इन फाउंडेशन वर्क। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फाउंडेशन वर्क में मिस्टेक कैसे हो गए एंड इसको सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यह एक 550 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट एरिया जिस पर फाउंडेशन वर्क एंड प्लिंथ वर्क चल रहा था, तो इसमें फाउंडेशन वर्क में मिस्टेक हुई। जैसे कि आप सामने आपको कॉलम दिख रहा है, इसका फाउंडेशन वर्क हो चुका है, तो आपको ये कॉलम दिख रहा है। तो फर्स्ट कॉलम की डिस्टेंस वॉल से 10 इंच है, सेकंड कॉलम की 4 इंच है। ये डिस्टेंस इसलिए कम ज़्यादा हो गई क्योंकि जो इस साइड पे वर्क चल रहा था वो विदाउट ड्राइंग के अकॉर्डिंग चल रहा था, और इसीलिए फाउंडेशन वर्क जो लेआउट हुआ है उसमें ये गलतियां हो गई हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी ठेकेदार या मिस्त्री से आप अगर हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं तो एक प्रॉपर आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से ड्राइंग बनवाएँ, देन उसके बाद ये सब कंस्ट्रक्शन वर्क साइड पर एग्जीक्यूट करवाएँ। तो यही सब चीज़ें हैं। एंड किसी भी मिस्त्री या ठेकेदार को आप हायर कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंड कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते समय आप साइट पे जाके चेक करें कि आपका जो हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। और इस फाउंडेशन को सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, तो इस फाउंडेशन को तोड़ के दोबारा से फाउंडेशन की कास्टिंग की जाएगी, देन आगे की प्रोसेस होगी। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।